हंस केल्सन के बारे में बात करते हैं। इनका बर्थ 1881 में और डेथ 1993 में हुई। फेमस वर्क्स आपके सामने हैं, ठीक है। और पहले तीन जो हैं ये मोस्ट फेमस वर्क्स हैं, और उनमें से भी सबसे ज्यादा फेमस वर्क जो है वो है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ठीक है। और प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। भाई जो भी आता है ना थिंकर, उसकी अलग ही थिंकिंग है। हर कोई अपनी अपनी ही डेफिनेशन देता है लॉ के बारे में। तो हंस केल्सन पीछे क्यों रहे? इन्होंने भी अपनी ही डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा लॉज आर डायरेक्शंस टू ऑफिशियल्स, कि ऑफिशियल्स को ये डायरेक्शंस जो मिलती है ना कोई भी काम करने की, कि किस तरीके से आगे हम कानून बनाए वगैरह, जो भी वो काम करते हैं ऑफिशियल्स को, जो वो डायरेक्शंस है, वो जो डायरेक्शंस है उन्हीं को हम बोलते हैं लॉज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हंस केल्सन। और इनकी थ्योरी को वियना स्कूल भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं इनकी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में। तो इन्होंने कहा कि जो कोई भी नॉर्म है, कोई भी रूल है, कोई भी नॉर्म जो है वो, उसको कहां से वैलिडिटी मिलती है? उसको एक पिछले नॉर्म से वैलिडिटी मिलती है, फिर उसको भी फर्दर एक पिछले नॉर्म से वैलिडिटी मिलती है, और ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे तो फाइनली जो सभी चीजें हैं उन सभी को कहां से वैलिडिटी मिलेगी? एक अल्टीमेट चीज से, जिसे हम कहते हैं ग्रुन्नॉम। ग्रुन्नॉम जो है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ है, ठीक है। तो कोई भी नॉर्म है उसको पिछले पिछले नॉर्म से वैलिडिटी मिलती है, लेकिन अल्टीमेटली इन सबको कहां से वैलिडिटी मिल रही है? जो इनके सबसे ऊपर है इस पूरी, इन्होंने कहा ये ना एक पूरा स्ट्रक्चर होता है नॉर्म्स का, ठीक है, और इन सभी नॉर्म्स के ऊपर जो सबसे सुप्रीम है वो होता है ग्रुन्नॉम। तो यही सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ है। उन्होंने कहा कि हमें ये तो पता लग गया कि नॉर्म वन जो है वो नॉर्म टू से आया, नॉर्म टू नॉर्म थ्री से आया फर्दर, ठीक है, और अल्टीमेटली ये सब कहां से है? ग्रुन्नॉम से है, ठीक है, अल्टीमेटली ये यहां से है। लेकिन हमें ये डिस्कस नहीं करना है कि ये ग्रुन्नॉम कहां से आया, क्योंकि अगर हम ग्रुन्नॉम को डिस्कस करने बैठ गए ना तो हमारा जो मेन मुद्दा है ना प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, वो प्योर रह ही नहीं जाएगी। उसमें और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, उसमें आ जाएगी मॉरेलिटी, उसमें एथिक्स, उसमें रिलीजन, और पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाएंगी, फिर से पहली वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आपको बस ये नहीं देखना कि ग्रुन्नॉम कहां से आया, बस ये देख लीजिए कि बस ग्रुन्नॉम से ही सारे नॉर्म्स जो है वो ओरिजिनेटेड हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनकी ये जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है ना, ये थ्योरी एक अगेंस्ट रिएक्शन है किस चीज के, कि जो लॉ में बहुत सारी चीजों को एड ऑन करते जा रहे थे ना, मॉरल्स, एथिक्स, रिलीजन, बहुत सारी चीजों को हम एड ऑन करते थे, उन सारी चीजों के अगेंस्ट एक रिएक्शन है। इन्होंने सीधी सीधी बात बोल दी कि आपको ये नहीं देखना कि ग्रुन्नॉम कहां से आया, नहीं तो अदरवाइज आप फिर से उन सारी चीजों को बीच में इंक्लूड कर दोगे और देन यू विल अगेन कंफ्यूज लॉ विद अदर थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि कमांड जो है वो जरूरी नहीं कि वो सॉवरेन से ही आए, उस कमांड के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं और उन सोर्सेज में से हो सकता है कोई एक सॉवरेन हो, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कमांड सॉवरेन से ही आए। नेक्स्ट, पीपल जो हैं वो कमांड को जरूरी नहीं कि वो सैंक्शन के कारण, पनिशमेंट के कारण फॉलो करते हैं, बट उनकी सेल्फ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है ग्रुन्नॉम के कारण, ठीक है, इसलिए भी वो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि मतलब सेंक्शन के डर के कारण फॉलो नहीं करते, इसका मतलब इनकी थ्योरी में फियर एलिमेंट जो है वो मिसिंग है, इसलिए जो यहां पर जो ये कमांड के बारे में बात कर रहे हैं ना, इस कमांड को डिसाइकोलोजाइज्ड कमांड भी कहा जाता है। तो ये था हंस केल्सन के बारे में, एंड दिस वॉज टूडेज लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया। प्लीज डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे बहुत सारे लीगल अपडेट्स में डालती रहती हूँ। लीगली अपडेटेड रहिए, मेरे से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। और आपको कोई भी नोट्स चाहिए, आई मीन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड ज्यूरिसप्रूडेंस के, तो आप मुझसे वो वहां पे कनेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। पेड है, पेड नोट्स आर अवेलेबल, ठीक है। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय गाइस।